गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो पहले की वीडियो में मैंने आपको रूबिक्स क्यूब 3x3 का फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सिखाया था। आज हम सिखाएंगे सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस सेकंड लेयर बहुत आसान है सॉल्व करना, इसमें प्लस वगैरह कुछ नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ ये जो यहाँ पे जो ये क्या पीस है, इन्हें मिडिल पीस हैं, इन्हें लाना पड़ता है, यही करना पड़ता है सेकेंड लेयर में। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर जो ऊपर का जो येलो हिस्सा है, अगर वो मतलब ग्रीन के साथ अटैच हो जाएंगे तो नहीं होगा। मतलब देखो ये वाला पीस है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वाले इस साइड के जो कलर है उनको ऐसे ऊपर का मतलब ढूंढना है। जैसे कि ये है ग्रीन, ऊपर है रेड, तो ये यहाँ जाएगा, रेड वाला जो ये हिस्सा है यहाँ जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, तो सबसे पहले अगर ये वाला हिस्सा यहाँ पे जाता है तो इसे इसके ऑपोजिट साइड रोटेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ये वाला यहाँ पे जाएगा तो इसे यूनिवर्स आर यूनिवर्स करते हैं, ऐसे होने के बाद हमें इसे ऐसे घुमाना है। फिर से हमें ये फॉर्मूला करना है, मतलब इसे हम करेंगे यू आर यूनिवर्स ऐसे, तो हमें ऐसे ही करना है। तो देखो ये वाला पीस हमने यहाँ पर ला चुका है, अब हमें ऐसे ही सारे पीस को करना है। तो ये वाला पीस यहाँ पे आएगा, तो उससे पहले हमें ये जो इसका जो रंग मैच है, यानी इतना हमें रंग मैच करना है। उसके बाद फिर से ये फॉर्मूला करते हैं यूनिवर्स आर यू आर इनवर्स, उसके बाद ऐसे मतलब घुमाना है यू आर यूनिवर्स आर इनवर्स, हो गया। अब हमें करना है ये वाला, तो जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लेने के बाद ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे जाएगा, तो सेम फॉर्मूला तो इसके बाद आता है एक जो यहाँ पे लगेगा, तो वो वाला है ये, तो घुमा के फिर से लाना है ऐसे, और ये वाला यहाँ पे जाएगा तो इसका उल्टा फॉर्मूला करना पड़ेगा। मतलब ये वाला यहाँ पे जाएगा ऐसे यू आर यूनिवर्स आर इनवर्स, उसके बाद इसे एक टाइम रोटेट करना है, फिर से यूनिवर्स आर यू आर इनवर्स। देखो तो गाइस हमारा सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है। तो गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय।